तो आ चुकी है, अब टी डिस्पेंस करके दिखाइएगा। गर्मी के सीजन में आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं है, और किसी दिन यदि आप आइसक्रीम ना खाएं तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ खाना अभी बाकी है। बताइए ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन आइसक्रीम खाते समय आपके माइंड में एक बात जरूर आई होगी कि आखिर इस आइसक्रीम को बनाते कैसे होंगे। तो मेरे भाई, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको आइसक्रीम, पेप्सी और कुल्फी बनाने के साथ बिस्लरी बॉटल बनाने की पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है, जो कि आपके नॉलेज को बढ़ाने वाली है। इसके साथ ही में दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना अपलोड होती है। गर्मियों के सीजन में स्कूल की छुट्टियां हो जाने के बाद कुल्फी खाने का मजा ही कुछ और होता था। यहाँ तक कि हम कुल्फी वालों को बुलाकर घर लाया करते थे, और एक नहीं मम्मी से दो दो कुल्फी लेने की मांग करते थे। अगले दिन हमारी तबीयत ही क्यों ना खराब हो जाए, लेकिन चुपके से कुल्फी जरूर खाते थे। और आज के समय में भी हम कुल्फी बहुत पसंद करते हैं। अब कुल्फी तो हर किसी को पसंद है, लेकिन इसे बनाते कैसे हैं, ये क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आया होगा। तो मेरे भाई, कुल्फी बनाने के लिए हम यह फुली ऑटोमेटिक कुल्फी मेकिंग मशीन लेकर आए हैं, जो कि बस कुछ ही मिनट में कुल्फी बनाकर तैयार कर देती है। इस मशीन में अलग अलग शेप के मोल्ड होते हैं, जिसके द्वारा आप कुल्फी, आइस कैंडी, मटका कुल्फी और यहाँ तक कि चाकोबार भी बना सकते हैं। कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले जो फ्लेवर तैयार किया गया है उसे इस मोल्ड में भरते हैं। करके दिखाइएगा। सभी मोल्ड में फ्लेवर भरने के बाद इसे रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हैं। इस मशीन का रेफ्रिजरेटर सिस्टम इतना हाई क्वालिटी का होता है जो कि -30 डिग्री तक जाता है। हालांकि आइसक्रीम तो लगभग -12 से -15 डिग्री में जमना शुरू हो जाती है। यह मशीन काफ़ी स्पीड वर्क करती है, जिससे कि लगभग 15 मिनट में आइसक्रीम जमकर रेडी हो जाती है। अभी आप देख सकते हैं कि कुल्फी बनकर एकदम से रेडी हो चुकी है, तो फिर देरी किस चीज़ की है, तुरंत उठाइए और खाना शुरू कर दीजिए। इस मशीन को आप बिजनेस पर्पस के लिए ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बार में 50 कुल्फी रेडी हो जाती है, जिससे कि कुल्फी बनाने में अब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका बिजनेस भी 4 गुनी स्पीड से दौड़ेगा। याद करिए, बचपन में हम सभी 1 रुपए वाली पेप्सी पिया करते थे, क्योंकि इसके पीने का स्वाद ही अलग हुआ करता था, और आज के समय में इसका रेट भी डबल हो चुका है। पीते समय हमारे माइंड में एक क्वेश्चन उठता था कि आखिर इसे बनाते कैसे होंगे, और ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी जरूर आया होगा। तो लीजिए फिर पेश है आपके सामने यह पेप्सी मेकिंग मशीन। इस मशीन में पानी, शक्कर और ऑरेंज फ्लेवर डालकर मिक्स कर देते हैं। उसके बाद यह मशीन छोटे पाउच में भरकर पेप्सी निकालना शुरू कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि पेप्सी के पाउच बनकर रेडी हो चुके हैं। यह मशीन बहुत ही फास्ट वर्क करती है, जिससे कि कुछ ही घंटों में हजारों पाउच बनकर तैयार हो जाते हैं। बचपन से लेकर आज तक आपके माइंड में जो क्वेश्चन उठता था कि आखिर इस पेप्सी को बनाते कैसे हैं, ये आपने देख लिया। अब आइए दिखाते हैं आपको बिस्लरी बॉटल बनाने की मशीन। मेरे भाई, सोचने वाली बात है कि भगवान के द्वारा दिया गया पानी इतने लाखों साल से पूरे पृथ्वी में बह रहा है, लेकिन 1965 में एक दिन एक इटालियन बिजनेसमैन फेरिस बिस्लरी के दिमाग में यह बात आती है कि उन्हें इस पानी को बेचा जाए। बस फिर उन्होंने इस पानी को बोतल में भरा और बेचना शुरू कर दिया, और आज की डेट में यह कंपनी अरबों का बिजनेस कर रही है। बिस्लरी दियो। ये ले थारी बिस्लरी। ये बिस्लरी है? हाँ हाँ, बिस्लरी है। भाया ऊंट है, गधे नहीं। अरे बिस्लरी निकाल, बिस्लरी। समझदार जानते हैं कि हर पानी की बोतल बिस्लरी नहीं, इसलिए सिर्फ। लेकिन आज के इस वीडियो में हम मिनरल वाटर बनाने की छोटी मशीन लेकर आए हैं, जिससे कि आप भी मिनरल वाटर का बिजनेस कर पाए। मिनरल वाटर भरने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक बॉटल बनाना जरूरी है। इस बॉटल को बनाने के लिए कोई बड़ी मशीन नहीं, बल्कि ये छोटी सी बॉटल मेकिंग मशीन बहुत ही बेहतरीन काम करती है। इस हीटिंग मशीन में सबसे पहले बॉटल के छोटे छोटे पीसेस को रख देते हैं। कुछ देर बाद यह प्लास्टिक की बोतल हीट सेक्शन में जाकर एकदम से गर्म हो जाते हैं। अब इन सभी पीसेस को इस प्रेशर मशीन में डाल देते हैं। यहाँ पर यह मशीन इन बोतल में प्रेशर देकर इसका साइज बड़ा कर देती है। आप इस मशीन के इंजीनियर्स वर्क को देख सकते हैं।
अभी आप देख सकते हैं कि बॉटल एकदम से रेडी हो चुका है, लेकिन इसमें नॉर्मल पानी नहीं भरते हैं, क्योंकि नॉर्मल पानी कुछ ही दिनों में खराब हो जाता है। इसमें ज़्यादातर मिनरल वाटर भरते हैं, और इस पानी को तैयार करने के लिए सबसे पहले इस आरओ मशीन का यूज़ करके वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। यह आरओ मशीन पानी प्योर करने के साथ इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भी ऐड करती है, जिससे कि पानी की क्वालिटी बढ़ जाती है। अब इस पानी को बोतल में भरना होता है, और पानी भरने जैसे मुश्किल काम को यह वाटर फिलिंग मशीन बहुत ही आसान बना दी है। यह मशीन बोतल में पानी भर के उसमें कैप सेट करती है, और इसके साथ इसमें कंपनी की लेबलिंग भी करती है, जिससे कि काम और भी आसान हो जाता है। हालांकि यह मशीन थोड़ी बड़ी है, लेकिन यदि आप अपने बिजनेस स्टार्टअप के लिए लेना चाहते हैं तो आपके लिए यह छोटी सी वाटर फिलिंग मशीन बहुत ही शानदार काम करेगी। इसमें सिर्फ बोतल रख दीजिए, उसके बाद यह मशीन एकदम बराबर क्वांटिटी में पानी भर देगी। तो आ चुकी है, अब डिस्पेंस करके दिखाइएगा। इसके साथ ही एक और मशीन आती है, जिसके द्वारा आप इन बॉटल में कैप सेट कर सकते हैं। तो लीजिए, फिर आपके मिनरल बॉटल एकदम से रेडी है। अब आप इनको मार्केट में भेजिए और अपना बिजनेस आगे बढ़ाइए। अब जब बात बिस्लरी की आ ही गई है, तो हम आपको बता दें कि बिस्लरी से ज्यादा यूज पाउच का होता है। तो फिर आइए देखते हैं कि आखिर इन पाउच को कैसे बनाते हैं। इन पाउच को बनाने के लिए पॉलीथीन के रोल को मशीन में सेट कर देते हैं। इसके बाद यह मशीन इन पाउच को तैयार करती है और उसमें पानी भर के पैक कर देती है। यह ऑटोमेटिक मशीन पाउच तैयार करने के लिए बहुत ही फास्ट वर्क करती है, जिससे कि कुछ ही घंटों में हजारों पाउच तैयार हो जाते हैं। लेकिन यदि आप अपने बिजनेस स्टार्टअप के लिए किसी छोटी मशीन की खोज में हैं, तो उसका भी सलूशन है हमारे पास। आप इस वाटर पैकिंग मशीन का यूज करके पाउच तैयार कर चुकी है, अब डिस्पेंस करके दिखाइएगा। अब गर्मी का मौसम तो आ ही गया है, और पूरे दिन में यदि शाम को आइसक्रीम ना खाएं तो ऐसा लगता है कि कुछ खाना भी बाकी है। लेकिन आइसक्रीम खाते समय आप यह जरूर सोचते होंगे कि आखिर इसे बनाते कैसे हैं। तो आइए फिर बताते हैं हम आपको। आइसक्रीम बनाने के लिए इस कंटीन्यूअस फ्रीजर मशीन में दूध, शक्कर और मिल्क पाउडर डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। इसके साथ ही इसमें फ्लेवर भी ऐड करते हैं, जिससे कि आपके मनपसंद फ्लेवर की आइसक्रीम तैयार हो सके। थोड़ी देर में यह फ्रीजर आइसक्रीम जमा कर रेडी कर देती है। अभी आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम एकदम से रेडी हो चुकी है। तो फिर अपने मनपसंद फ्लेवर की आइसक्रीम लीजिए और निकाल कर खाना शुरू कर दीजिए। यह मशीन लगभग 20 मिनट में आइसक्रीम रेडी कर देती है, जिससे कि यह मशीन बिजनेस पर्पस के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों, यह थी कुल्फी, आइसक्रीम, बिस्लरी और पेप्सी बनाने की मशीनें। इन सभी मशीनों में से सबसे बेहतरीन मशीन आपको कौन सी लगी? अब देखिए, वीडियो पसंद आ ही गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आप तक हमेशा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचती रहे। स्क्रीन में आपको दो और वीडियो दिख रही हैं, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं। इन्हें आप ज़रूर देखिए।